हेलो, मैं डॉक्टर आशीष एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज के वीडियो में एक बहुत अच्छा एक्यूट केस विथ ए वेरी ब्यूटीफुल फॉलोअप और साथ में बहुत सारी लर्निंग्स। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के। देख, ये केस है, एक वायरल फीवर से सफ़र कर रहा है एक पेशेंट। ये केस उस टाइम का है जब मैं मेरे गेस्ट विजिट पे था मेरे जूनियर के यहाँ पे। और जब मैं घर जाता हूँ तो देखता हूँ कि देर वॉज अ पेशेंट हुज लाइंग, वो पिछले 7 से 8 दिन से कमरे में सोया हुआ है, लेटा हुआ है। उसने एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, उसने होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लिया है, लेकिन पेशेंट की कंडीशन में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और इम्प्रूवमेंट इन द सेंस कि उसको मेडिसिन लेता है तब तक वो उसका फीवर सही हो जाता है, एनर्जी लेवल में कोई चेंज नहीं है, कंडीशन वैसी ही है, केवल वो दवाई लेता है जब तक उसको आराम हो जाता है। तो मैं जाता हूँ। देखिए, कई बार क्या होता है, इस केस को शेयर करने के पीछे मेरे बहुत सारे पर्पस भी हैं। क्योंकि एक तो ये चीज़ कि कई बार ऐसा होता है जब कई केसेस में आपको मेंटल अगर पेशेंट देने में सक्षम नहीं है या फिर आप पेशेंट नहीं दे पा रहा है एक्चुअल मेंटल्स, तो ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है मेडिसिन सेलेक्शन के लिए, दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट। सो आवर मास्टर्स, हमें हमेशा हमारे मास्टर्स ने ये बोला है कि ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा होना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। दैट्स वाई वी शुड बी ए कीन ऑब्जर्वर। सेकेंड थिंग, एक और चीज़ जो इससे मिलेगी आपको और वो थोड़ा लेटर ऑन बताऊंगा मैं आपको। तो दैट वॉज द केस। मैं जब जाता हूँ तो पेशेंट वॉज कम्प्लीटली डल, वो टॉरपोर कंडीशन में था, वो बहुत ज़्यादा उसकी बोलने की कंडीशन नहीं थी। पर ऑब्जर्वेशन मेरा बहुत जो था वो बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो था कि पेशेंट 5 दिन से कमरे में सोया हुआ है, वो हार्डली बाहर आ रहा है, कुछ खा रहा है तो वॉमिटिंग हो रही है, उसने कुछ खाया नहीं है 5 से 6 दिन से, वो लेटा हुआ है। मैं जब उसके कमरे में एंट्री करता हूँ, पेशेंट मुझे अच्छी तरीके से जानता है, तो वो मेरे से आई कांटेक्ट करता है, कुछ भी नहीं बोलता है और वापस लेट जाता है। मतलब लेटा हुआ ही है, बस आई कांटेक्ट किया और वापस आई अपनी आई हटा लेता है, मेरे आई कांटेक्ट कर बंद कर देता है। मैं पूछता हूँ कैसे हो, तो बोलता है हाँ बस अच्छा हूँ भैया, वापस से वो सो जाता है। कमरे में लाइट्स बंद है, कमरे के सब कर्टन्स लगे हुए हैं। दैट वॉज माई ऑब्जर्वेशन। और इस ऑब्जर्वेशन के बेस पे मैंने उसको कॉल्चिकम 200 की 2 डोज दी। कॉल्चिकम 200 अवेलेबल नहीं होने के कारण फिर 30 हमें देनी पड़ी। और वो मेडिसिन देने के बाद जो पेशेंट पिछले 7 दिन से या 6 दिन से वो लेटा हुआ है, वो कमरे से बाहर नहीं आया है, उसने कुछ खाया नहीं है, वो मुश्किल से 15 से 20 मिनट बाद वो कमरे से बाहर आता है चल के विदाउट एनी सपोर्ट, और बोलता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दो, और वो 1 से 1.5 रोटी खाता है। देखो, अब यहाँ पे एक चीज़ है, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत ही स्लो एक्टिंग है, होम्योपैथी से टाइम लगता है। तो मैं ये बोलता हूँ कि इस केस से एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मिलता है कि होम्योपैथी कितने बड़े लेवल पे और ओवरऑल जो होलिस्टिक हम क्योर की बात करते हैं, वो क्योर की बात इसमें दिखती है इस केस में। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात जो हमें दिखती है वो ये है कि कई लोग बोलते हैं कि होम्योपैथी बहुत धीरे असर करती है या स्लो एक्टिंग है, तो ये केस बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो ये बताता है कि होम्योपैथी कितना फास्ट एक्ट कर सकती है। नॉट ओनली द पेशेंट इज गेटिंग रिलीफ इन प्रेजेंट कंप्लेंट, बट उसका एनर्जी लेवल, उसका डाइट, उसका स्लीप, सब कुछ भी नॉर्मल हुआ। नॉर्मल किसी कन्वेंशनल ट्रीटमेंट में आप जाएंगे तो वो केवल पैरामीटर ये होगा कि उनकी फीवर सही हो गई या उसका कफ सही हो गया या, लेकिन यहाँ पे मेडिसिन देने के बाद उसका पेशेंट वो बाहर आता है, पेशेंट नॉर्मल खाने के लिए डिमांड करता है। तो ये एक होम्योपैथी है जो अगर सही में सिलेक्शन होता है तो ये काम करता है। सेकेंड, एक और चीज़ कि नॉर्मली जब, क्योंकि मेरे दिमाग में भी कन्फ्यूजन था और मुझे बहुत बड़ी लर्निंग इस केस से मिली, और वो ये थी कि जो हमारे मास्टर्स ने हमें हमेशा बोला है, डेयर टू बी वाइज और अनप्रिजुडाइज ऑब्जर्वर। तो कोल्चिकम अगर हम देखते हैं तो उस कोल्चिकम में कहीं पे भी ऐसे सिम्टम शायद हो या ना हो, मैं भी कंफ्यूज था कि यार ऐसे केस में कोल्चिकम काम करेगी या नहीं करेगी। बट जो सिम्टम, जो ऑब्जर्वेशन मुझे मिला और जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने जो रूब्रिक्स रेपर्टराइजेशन में डाले, उस अकॉर्डिंग कोल्चिकम आ रही थी, जो मैं क्लिपबोर्ड आपसे बहुत जल्द अभी शेयर करूंगा इसी वीडियो में। और इसी वीडियो में मैं उस पेशेंट का फॉलोअप भी शेयर करूंगा कि वो पेशेंट के वर्जन्स क्या कुछ थे। दिन तक बीमार थैंक रहा यू। था, तो मतलब बहुत ही वीकनेस आई थी मेरे शरीर के अंदर। मैं उठ भी नहीं पा रहा था, चलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, मैं कुछ खा भी नहीं पा रहा था, आँख खुल भी नहीं रही थी। इसी बीच मैंने एलोपैथी का ट्रीटमेंट भी लिया था, ड्रिप भी चढ़ी थी मेरे, पर कुछ खास असर हुआ नहीं था मेरे। मतलब मैं उठ ही नहीं पा रहा था बिस्तर से,
खाना खा रहा था, मतलब खाना गले से नीचे भी नहीं उतर पा रहा था। फिर हम्म, सर आए थे, डॉक्टर आशीष कुमार सर ना चित्तौड़ से, तो उन्होंने फिर मुझे कुछ जीभ के ऊपर ड्रॉप डाली, तो मैंने कुछ आधे घंटे समथिंग लगभग चेक किया मैंने, तो फिर थोड़ा हल्का सा मेरे शरीर में कुछ मूवमेंट होने लगा और थोड़ा रिलीफ होने लगा। उसके बाद में मैंने कुछ एक रोटी मैंने एक आधी रोटी ऐसी मैंने कुछ खाई। फिर उन्होंने मेडिसिन मुझे दी होम्योपैथिक की, तो वो मैं कंटिन्यू लेता गया और मैं ठीक हो गया उससे मैं, और मुझे बॉडी पे काफ़ी रिलीफ मिला मुझे। गुड, वेरी गुड, काफी अच्छा रहा। देखो ये ऐसा होता है होम्योपैथी के एक्यूट केस में इतना अच्छे से काम करती है। एलोपैथी कहते हैं कि पैरासिटामोल या ड्रिप चढ़ाने से आराम मिलता है, वहाँ होम्योपैथी भी एक सिंगल डोज से भी बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। तो ये केस मैंने आपके सामने शेयर किया जो विद इन सिंगल डोज सिंगल मेडिसिन से काफी अच्छा एक अच्छा इम्प्रूवमेंट मिला। ओके, थैंक यू।